रोल। ओके, तो इतनी मतलब तपस्या की है, हरियाली की इतनी मदद ली और आज फाइनली सितारा को होश आ ही गया है, सो विराज के लिए किस तरह का मोमेंट था वो जानना चाहिए। विराज के लिए तो विराज को एक ऐसे दोबारा एक लाइफ मिल गई है, क्योंकि इतने दिन से वो वेट कर रहे थे कि सितारा होश में आ जाएँ और सितारा ठीक हो जाएँ। फाइनली वो दिन आ गया है, सितारा इस ऑल ओके नाउ, तो विराज के लिए तो इससे बड़ा कोई दिन ही नहीं हो सकता। पूछना चाहिए कि विराज के लिए आज एक और शॉकिंग मोमेंट था जो अभी रिसेंटली हुआ है हरियाली के साथ, हरियाली का जो माइंडसेट चेंज हो गया विराज के लिए, तो सीन क्या था वो जानना चाहिए। नहीं, हरियाली का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है, हरियाली का शुरू से ही इंटेंशन था और इसलिए हरियाली ने बोला हुआ था कि एक दूसरी शर्त है जो मैं वक्त आने पर बताऊँगी, और फाइनली आज उसने वो शर्त सामने रख दी है और विराज के लिए बहुत शॉकिंग है। विराज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई शर्त उसके सामने रखी जाएगी, तो वो हमेशा कहता रहा कि चाहे मेरी जान मांग लो, तो लेकिन आज जो शर्त रखी है वो जान मांगने से भी ज़्यादा है, तो इसलिए शॉक लग गया विराज को। तो खुद क्या विराज इस चीज़ के ऊपर मतलब अपने आप को आमादा कर पाएंगे, क्या वो सितारों को छोड़ने की भी सोच सकता है? अभी विराज के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि विराज ने प्रॉमिस किया था कि वो जो भी मांगेगी वो उसे देगा, और एक और बात है क्योंकि उसे पता है हरियाली बहुत पावरफुल है, तो हरियाली ने कहा है कि अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हरियाली ने जैसे जान बचाई है सितारे की, वो जान ले भी सकती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि विराज को शर्त माननी पड़ेगी। जैसे विराज के लिए दूसरी शर्त इतनी ज़्यादा शॉकिंग रही है और एक और शर्त बाकी है, तो क्या आगे के लिए विराज अब प्रिपेयर करेंगे? नहीं, दो शर्तें थी, दोनों आज सामने आ गई। पहली तो उस टाइम ही आ गई थी और जो महल में रहने वाली शर्त थी, और आज दूसरी शर्त है तो वो भी सामने आ गई। तो मतलब बहुत 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 ही डिफिकल्ट है विराज के लिए, लेकिन अभी मानना तो पड़ेगा ही। थैंक यू। नो सर, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत लग रही, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत सालों से कहीं थी और यू नो ये स्क्रेचेस का ये सब थोड़ा बताइए क्या? Yeah, so it's like I'm coming from like 400 years ago, so that's why इसलिए बहुत पुरानी look दी गई है मुझे, you know, everything is just brown, green, my lips are brown and green glitter, my eyes are green, it's like everything is like tree. और ये दो अंगूठियाँ बहुत खास दिख रही हैं। Yeah, so basically मेरी इस ring में सारी powers हैं, so if I want to show my powers, तो मैं इस ring को use करूँगी। सो फाइनली क्या चल रहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि यू नो विराज लेके जा रहे हैं और आप लोग सबसे छुप छुपा के घर में, वो क्या हो रहा था? विराज को एक्चुअली मैं मिलती हूँ और विराज मुझसे हेल्प मांगते हैं कि मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे हुआ, तो आई विल हेल्प हिम बिकॉज आई कैन कंट्रोल यू नो नेचर, सो दैट्स व्हाई मैं अपनी सुपर पावर्स जो नेचर पावर्स हैं उससे यूज़ करके और मैं उनको ठीक करूँगी अदा को। और हमने देखा आपका रूम जो है वो घर वो उसमें कैसे क्या होने वाला है, बहुत सब तरफ हरियाली, बिस्तर पे भी पूरा एकदम हरियाली। या हर तरफ हरियाली हरियाली है, दैट्स व्हाई आई एम हरियाली ओवर हियर। सो नो इट्स वेरी मच फन, इट्स इंटरेस्टिंग, सी क्या आ गया, एंड प्लीज वॉच सितारा राइट नाउ। ओके, सो मेरी एंट्री कल से है, कल इंट्रोडक्शन, एंड प्लीज वॉच, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक शॉट से थोड़ा ना ओके, तो सितारा ये जानना चाहिए आज एक पर्दा पाश हुआ है आपके सामने बच्चे का,
जी बिल्कुल, जो वृंदा माँ है उन्होंने झोंक से एक बेबी को जन्म दिया था जो कुंवरसा को विश पुरुष बना रहे थे. सो आई गॉट टू नो दैट. मैंने एक ट्रैप रचा था एंड वो बेबी ने बिल्कुल वैसे ही किया एंड यू नो सो आई कुड मेक आउट और मैंने वो बेबी को ख़त्म कर दिया. सो एक जो लिंक थी जो कुंवरसा को विश पुरुष बना रही थी वो मैंने ख़त्म कर दी. सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे. या सी मेरा फुल एम है कि इस नवरात्रि में मैं कुंवरसा को विश पुरुष, बिकॉज नाइन्थ डे पे माँ ने मुझे चैलेंज किया है वो कुंवरसा को पूरी तरह से विश पुरुष बना देंगी एंड देन ही कैन नॉट कम बैक टू हिज ह्यूमन फॉर्म. और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और इसलिए मैंने निर्जला व्रत रखा है एंड मैं पूजा कर रही हूँ ताकि वो विश पुरुष कभी ना बने. सो इसलिए मैं वो लीच मुझ पर, जब वो बच्चा लीच बन जाता है तो पद्मिनी मुझ पर नमक का पानी डालती है एंड देन वो सारी काली शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है. तो एक स्टेप ले लिया है मैंने जो मेन लिंक था, आगे देखते हैं. तकलीफें तो आएगी और सितारा तकलीफें लेती रहेगी. इस बार मतलब प्यार जो खिलता है वो बहुत ही अजीब रूप वो ले चुके हैं. प्लान तो यही है कि बस किसी भी तरह, माई होल एम इज़ कि किसी भी तरह विराज को विश पुरुष ना बनने दूँ मैं. सो आई एम ट्राइंग टू सी कि जो जो माँ प्लान बना रही है उस प्लान को मैं ख़त्म करती रहूँ. और इसलिए अभी भी जो मेरा और माँ का सीन होने वाला है, इट्स अ फाइट सीक्वेंस वे वो विश पुरुष को अपने कब्जे में कर लेती है और उसे छुपाने जाती है कि मैं उस तक ना पहुँच जाऊँ एंड देन आई कम देयर एंड देन हाउ वी हैव अ फाइट अभी. सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग. सो ये होता ही रहेगा अभी. थैंक यू. बहुत दिन का व्रत रखा है लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, मतलब ऐसा क्यों? अत्याचार हो रहा है आपके साथ? बिकॉज अभी उनको मेरी सच्चाई पता चल गई है कि मैं विश कर रही हूँ एंड इसलिए वो रानी का कह रही है कि सिर्फ इंसान ही पूजा कर सकते हैं, विश कन्या नहीं कर सकती है. तो इसलिए मुझे पूजा से हटा दिया गया. ओके. काफ़ी परेशान भी दिख रही हैं आप विराज को लेके, इधर उधर घूम रही हैं, रूम पे गई फिर वापस आई तो बंद भी करके रखते. क्या कुछ है ये प्लान में? ये है कि वो जो बच्चा है जो वृंदा ने भेजा है वो एक झोंक है, इट्स अ लीच. सो इट्स अ मैजिकल बेबी. उस वजह से वो विराज है वो विश पुरुष बन गए हैं. तो वो मुझे बात पता चल गई एंड मैंने उन्हें बंद कर दिया था ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर वो कौन है उन्हें विश पुरुष बना रहे हैं. आई गेट टू नो इट्स अ बेबी. माँ बेबी के साथ फाइट होती है एंड देन द बेबी इज़ गॉन एंड दैट्स व्हेन नाउ आई एम वरिड कि वो विश पुरुष के रूप में कहाँ भाग गए. अगर तो किस तरह कम बैक, अगर तो किस तरह से बचाने वाली है और कुछ क्या प्लान किया है, लड़ने वाली है? बहुत लड़ाई, अभी तो बच्चे के साथ लड़ाई, फिर वृंदा के साथ लड़ाई, बस लड़ाई लड़ाई है. बट इन द एंड आई डोंट नो, आई जस्ट वांट कि जो कुंवरसा है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए. सो इसलिए मैं निर्जला व्रत रखी हूँ एंड जस्ट ट्राइंग टू प्लीज माता रानी एंड वो मेरी हेल्प कर रही है. थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी, आज अलबेली को जिस तरह से अलबेली को सीरियल में दिखाया गया है क्योंकि उसका एलिमेंट वाटर है तो बहुत शांत है वो, अपनी बहन से सरलता से बात करती है इतना. जी हाँ दीदी है और मतलब एक तरह से मुझे सरल बताया है जो ज़्यादा, जैसे कि सुरीली का जो फायर है वो काफ़ी गुस्से में रहती है तो मेरा एलिमेंट के हिसाब से मेरा काफ़ी शांत है. तो आज गलती की मैंने तो मुझे थप्पड़ पड़ा है. गलती वो हुई है कि मतलब आप गलती भी नहीं कह सकते, हमने एक चलाकी चली थी. हमने पंचामृत जो चरणामृत बना था उसमें दीदी ने शराब मिला दी थी ताकि उनकी पूजा ना पूरी हो और वो भंग हो जाए और हम विराज को विश पुरुष बना सके. तो ये प्रॉपर एक प्लानिंग थी और अननोइंगली मुझे नहीं पता था कि उसमें पंचामृत में
अल्कोहल है, तो मैं मदद करने के लिए कि पंचामृत पूजा तक पहुँचे नहीं, मैं रास्ते के बीच में से ही उसे लेके पी लेती हूँ कि अब प्रसाद नहीं होगी तो पूजा कैसी होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसमें अल्कोहल है। तो मैं पी गई और आकर मैंने सारा सच उगल दिया और मुझे थप्पड़ पड़ गया। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग करने के बाद आज पूरा रहस्य जो फैमिली के सामने आ चुका है, तो इसका क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि फैमिली को कहीं ना कहीं सारी सच्चाई पता चल चुकी है। जी, इसका डेफिनेटली अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हम जिस तरह से घर को पावर कर रहे थे, क्योंकि हमारी सच्चाई किसी को पता नहीं थी, अब सच्चाई सबके सामने आ गई। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाएगा अब शो में, और अब आप आगे देखेंगे हम किस तरह से इसे हैंडल करते हैं। जब विषकन्या बनी गए तो अब विषकन्या बन के अब हम उन्हें कैसे डराएंगे, या किस तरह से वो हमें भगाएंगे, या हम इस घर में रहेंगे, ये तो आगे वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। सितारा को घर वाले उनकी बातों को एकदम रिजेक्ट करते, लेकिन आज फाइनली तुम्हें सच्चाई जैसे से सामने आई है, तो अब कहीं ना कहीं सितारा की फैमिली के साथ हो गई, तो अब क्या इसका अंजाम होने वाला है, उनको घर से निकाल वो ही रानी माँ जो सितारा पे कभी बिलीव नहीं करती थी, और उनको लगा था कि जो राजा जी उनको सितारा ने मारा है, तो आई गेस अब वो उन पर बिलीव करेगी, उनकी हर बात पर बिलीव करेगी। लेकिन अब जब उन एक ट्विस्ट ये भी है कि ये भी तो है कि सितारा भी एक विषकन्या ही है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि क्या वो उसको भी निकाल देंगी, क्या वो हमारे साथ रहेगी, या फिर वो इस घर में रहेगी, ये तो आई गेस आने वाले एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा। थैंक यू। बहन की हरकत देखी थी आपने, करतूतें क्या कर रही थी वो देखी थी आपने, सिर्फ थप्पड़ मारा, मतलब कमरे में होती तो कूट देती शायद, बट कुछ हिला देने वाला मामला हो गया था, एंड उसे रोकने के लिए कुछ करना था इमीडिएटली, सो आई थिंक द स्लैप वाज द ओनली क्लोजेस्ट सेफेस्ट आंसर। लेकिन थप्पड़ मारने के बाद भी पूरी सच्चाई फैमिली के सामने आ चुकी है, पता चल चुका है कि फाइनली आप लोग विश करने हैं, तो अब इसके आगे क्या फैमिली स्टेप लेने वाली है, तो क्या कुछ होने वाला है फैमिली क्या स्टेप लेगी ये तो पता नहीं, लेकिन हम बाजी पलटने में उस्ताद हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम फिर कोई तरीका निकाल लेंगे टू ट्विस्ट दिस अराउंड, टर्न दिस अराउंड, एंड आई थिंक दिस विल ओनली गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। लास्टली सितारा को जहाँ तक फैमिली रिजेक्ट करती है, आज फैमिली सितारा की बातों को कहीं ना कहीं मान लेगी, तो इसका क्या पॉजिटिव क्या होने वाला है? मैं गारंटी से आपको बोल रही हूँ ये हम पलट देंगे, इस वक्त उसकी बात पे ज़रूर विश्वास किया जाएगा, लेकिन भले ही टाइम पीरियड के लिए सही, इंटरिम पीरियड के लिए सही, लेकिन हम इसे पलट के रहेंगे। किसके लिए रखी है? मैंने रखा है व्रत फॉर विराज, बिकॉज वो विश पुरुष ऑलमोस्ट बन रहे हैं, तो मैंने चैलेंज दिया अपनी माँ को कि मैं 9 दिन आखिरी दिन तक 90 दिन तक मैं विराज को सही कर दूंगी, ही विल बी बैक टू नॉर्मल, और इसलिए मैंने ये व्रत रखा है। इसी तरह जैसे ही आप अपने सासू माँ के को प्रसाद देने जाती है, वैसे एक अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है, तो वो क्या है? वो मेरी माँ ने भेजा है, व्हाट इज इट, फायरबॉल, बट अदृश्य है ना, तो हाउ डू नो? हाँ, बट आई एम टेलिंग द ऑडियंस व्हाट इट इज, तो वो एक फायरबॉल है जो पूरी कोशिश कर रही है वृंदा माँ मेरा व्रत तोड़ने की, तो इसलिए उन्होंने वो फायरबॉल भेजा है मेरी तरफ। तो ये आपके व्रत के चलते आपके जो पतिदेव है, पतिदेव यहाँ है, राइट, नाराज है सितारा से जुड़ने के लिए, इतना नाराजगी क्योंकि ये व्रत तो आप ही के लिए है। हाँ, लेकिन अभी नहीं, व्रत है वो समझता है, लेकिन विराज का ये कहना है कि हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है ना, और वो देख रहा है कि सितारा फेंट हो गई है और डिहाइड्रेट हो गई है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो इसलिए उसे लगता है कि अभी फिलहाल इट्स ओके, पानी पी सकते हैं, हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बट विराज को नहीं पता दैट मैंने मन्नत उसके लिए मांगी है, मन्नत नहीं पता, लेकिन व्रत के बारे में पता चला है अभी। पतिदेव नाराज हो गए सितारा की,
वो हमेशा नाराज रहता है. नाराज रहता है वो है. वो विराज को ही नहीं पता, वो सितारा को ही नहीं पता, किसी को नहीं पता वो क्या हो रहा है. ओके मिट्टी की मूर्ति माँ माता के सामने ही हम मंत्र पढ़ रहे हैं ना दी. नहीं वो मिट्टी की मूर्ति जो हम कल से बना रहे हैं उनकी बात कर रही है. वो गरबा वाली ये वो ये वो मिट्टी की मूर्ति है जो इस शो का सबसे बड़ा धमाका लाने वाली है. ये तो खेल रहे हैं हम उनके साथ, पूज रहे हैं उन्हें. नया पासा देखिए नवरात्रि के नवे दिन के बाद क्या होता है. वही तो मैं कह रही हूँ, इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न. सो वो तो वेट करके आप लोगों को देखना पड़ेगा. हाँ एक्चुअली हम यहाँ बता देंगे तो फिर उस चीज़ का मज़ा आएगा. टेलीकास्ट में जब आप देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही लगेगा. पानी नहीं फेंक रहे हैं वो, पसीने से गीली हो रही है. सो बेसिकली इस स्पेसिफिक सीन में मैं एक आग का गोला क्रिएट किया है मैंने. और वो आग का गोला इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि सितारा ने निर्जल व्रत रखा है. तो गर्मी में और ज़्यादा गर्मी क्रिएट करने की एक कोशिश की गई है कि जब इतनी ज़्यादा एक आग का गोला आपके सर पे रहकर जो कोई नहीं देख सकता, सितारा भी नहीं देख सकती, जब इतनी गर्मी क्रिएट करेगा तो आप कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे विद द फास्ट. सो इट्स अनदर अटेम्प्ट कि वो अपना निर्जल व्रत तोड़ दे. तो वो गोला मैं भेजती हूँ, आग का गोला. आग का गोला सो वही क्रिएट किया जा रहा है आज. ओके, एक तरफ आग का गोला है और एक तरफ ये बुल बना के कुछ भेजा गया घर के अंदर ही. जी, 9 दिनों के लिए 9 पैतरे. हाँ, नए नए पैतरे चल रहे हैं. नए नए पैतरे हम अपना रहे हैं. कोई ना कोई तो लग ही जाएगा. या डेफिनेटली वो भी बुल भी उसी का हिस्सा है. थैंक यू सो मच. हाँ तो एक दिन हो गए 8 दिन बाद. सो ये उसी की तैयारी है. ओके, तो क्या चैलेंज दिया है इस बार सितारा और विराज को आप लोगों ने? नहीं नहीं, चैलेंज तो हम सब देते हैं, वी ऑल डू एवरीथिंग टुगेदर. इस बार कुछ बोला नहीं है, इस बार सिर्फ करके दिखाएंगे. यूजुअली हम बोलते हैं एंड देन देयर इज दिस, ऐसा हो गया वैसा हो गया. इस बार कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ धमाका करेंगे. अच्छा, लेकिन विशपुत्र बनाने में कहीं ना कहीं असफल रहे, सितारा ने कहीं ना कहीं प्लान आप लोगों का फेल कर दिया, तो उस चीज को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? किसने कहा विश? आपने ऐसा कहा था ना कि बैल नहीं, वो दूसरी चीज़ है. वो एक बहुत छोटी सी चीज़ हम विश पुरुष के साथ ट्राई कर रहे हैं. विश पुरुष तो हमारा लाइक वी से द महादाव, द बड़ा महादाव है. तो वो हमारा फेल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता. होने नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे. शूटिंग रुकवा देंगे, हम होने नहीं देंगे. अच्छा, अगर ऑडियंस को बता पाए कि ऐसा क्या प्लान बनाया है इस टाइम जो सितारा के अगेंस्ट आप खेलने वाली हैं, क्या चाल है आपकी? उसके लिए हम चाहते हैं कि अगले 8 दिन आप लोग यहीं इर्द गिर्द घूमते रहें. हाँ, इस सेट से उस सेट, उस सेट से इस सेट. हाँ, और हम जेन्युइनली चाहेंगे पीपल हु हैव बीन हुक्ड ऑन टू द शो, कीन ऑन वॉचिंग द शो, इट्स समथिंग रियली बिग एंड रियली इंटरेस्टिंग. Yeah, please, please keep watching our show. You will have to hold on to see what the suspense is. What this is, yeah. Thank you, thank you. Murti kis liye banayi ja rahi hai? Kaun si puja ho rahi hai yahan pe? Navratri. Hum Vishkanyay hai to kya hua? Hum bhi Navratri mein aur 9 din ki powers mein believe karte hain. And jo is waqt hum kar rahe hain, that's for the biggest and the biggest jhatka that we are about to witness in how many days? 8 days. Ke navratri hote hain aapne bola 8 din. Nahi, to 8 din ka challenge hai na. Ha, to 1 din ho gaye 8 din baad. So ye usi ki taiyari hai. Okay, to kya challenge diya hai is baar Sitara aur Viraj ko aap logon ne? Nahi nahi, challenge to hum sab dete hain, we all do everything together. Is baar kuch bola nahi hai, is baar sirf karke dikhayenge. Usually hum bolte hain and then there is this, aisa ho gaya waisa ho gaya. Is baar kuch nahi bolenge, sirf dhamaka karenge. सफल रहे, सितारा ने कहीं ना कहीं प्लान आप लोगों का फेल कर दिया, तो उस चीज को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? किसने कहा विश? आपने ऐसा कहा था ना कि
नहीं वो दूसरी चीज है, वो एक बहुत छोटी सी चीज हम विश पुरुष के साथ ट्राई कर रहे हैं. विश पुरुष तो हमारा लाइक वी से द महादाव, द बड़ा महादाव है, तो वो हमारा फेल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता. होने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे, शूटिंग रुकवा देंगे, हम होने ही नहीं देंगे. अच्छा, अगर ऑडियंस को बता पाए कि ऐसा क्या प्लान बनाया है इस टाइम जो सितारा के अगेंस्ट आप खेलने वाली हैं, क्या चाल है आपकी? उसके लिए हम चाहते हैं कि अगले 8 दिन आप लोग यहीं इर्द गिर्द घूमते रहें. हाँ, इस सेट से उस सेट, उस सेट से इस सेट. हाँ, और हम genuinely चाहेंगे पीपल हु हैव बीन हुक्ड ऑन टू द शो, कीन ऑन वॉचिंग द शो, इट्स समथिंग रियली बिग एंड रियली इंटरेस्टिंग. Yeah, please, please keep watching our show. You'll have to hold on to see what the suspense is. What this is. Thank you.